हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दोसान और आप देख रहे हैं NHB केक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। चलो वीडियो चालू करते हैं। यहां पे मैंने कॉकटेल फ्रूट लिया है, चेरी और एप्पल। ये वाइट स्पंज है, फ्रूट केक बनाएंगे तो ऊपर का और जो साइड का जला हुआ उसे रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आप भी इस तरह से निकाल लें। आप जब ओवन में स्पंज बेक कर रहे हैं तो हल्का सा जल जाता है कोई कोई स्पंज, तो जो जला हुआ रहता है उसे निकाल लेना अच्छा रहता है। उसके बाद आपको 3 लेयर में कटिंग कर लेना है इसका, 3 पीस निकाल लेना है 1 का 3। और उसके बाद ये हम लोग डबल हाइट केक बनाएंगे तो इसलिए आप जो है 2 स्पंज लें हाफ हाफ के जी का। अगर आप सिंगल केक बनाएंगे तो सिंगल हाइट का केक बनाएंगे तो आप 1 ही स्पंज लें, इसे भी 3 लेयर कर लेते हैं। ये हमारा कटिंग हो चुका है। चलो शुगर सिर्फ मार लेते हैं। आप चाहे तो सादा पानी जो नॉर्मल वाटर रहता है वो भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगा। अगर आपको टेस्ट और अच्छा चाहिए तो फिलिंग करने के बाद डीप फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें। हम लोग फ्रेश फ्रूट केक फिलिंग कर रहे हैं, इसके लिए आप मैं फ्रूट का कटिंग कर लेता हूँ। चॉपिंग करने के टाइम पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो फ्रूट है आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा चॉपिंग करें, एकदम छोटे छोटे बाइट करें। आप चाहें तो कॉकटेल फ्रूट की जगह पे आप मार्केट से जो फ्रूट वाले के पास मिलता है फ्रेश फ्रूट एप्पल वगैरह वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम ले लिया, व्हाइट क्रीम। उसके बाद स्ट्रॉबेरी का करस और पाइनएप्पल का करस दोनों मिक्स करके बनाना है। आप चाहे तो कोई दूसरा करस भी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं जो आपको बेटर लगता है। 2-3 करस यूज करके इस तरह से फिलिंग कर लेना है। फिलिंग के अंदर करस, क्रीम और जो फ्रूट चॉपिंग की है वो डालना है। करस ज़्यादा यूज नहीं करना है और क्रीम के साथ पूरा अच्छे से प्रॉपर मिला देना है ताकि क्रीम का जो टेस्ट है वो अच्छा लगे। आप चाहें तो शुगर सिरप के साथ स्पंज में भी करस यूज कर सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन ज़्यादा स्वीट हो जाता है इसके लिए मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर यूज कर रहा हूँ। इस तरह से आप स्पंज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, इसका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप अगर बेच रहे हैं किसी कस्टमर को तो वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोई हर कोई यूज नहीं करते। क्रीम को ऊपर पहले हल्के हाथों से हल्का लेयर लगाना है, उसके बाद साइड से कवर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से केक बनाना कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, इजीली आप आसानी से केक बना सकते हैं अपने घर में। बर्थडे केक 1.5 घंटे में आपका केक जो है रेडी हो जाएगा। ऊपर हल्के हाथ से नाइफ रखें, ऊपर प्लेन हो जाए तो फिर साइड से इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देख सकते हैं हमारा जो कटिंग हो चुका है, अब साइड से इसके रेफर की मदद से हम लोग उसे प्लेन कर लेंगे। आप चाहे तो जो स्केल होता है उसे भी यूज कर सकते हैं या नाइफ से भी कर सकते हैं। इसके रेफर क्या होता है कि ये पूरा स्ट्रेट हो जाता है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये आप इसके रेफर का यूज करें, ज़्यादा फिनिशिंग भी और केक जो है आपका स्ट्रेट रहेगा। इस तरह से आप कर लें। उसके बाद ये हमारा हो गया रेडी केक क्रीम लग के, अब सिर्फ डेकोरेशन करना बाकी रह गया, तो डेकोरेशन कर लेते हैं जल्दी से। चलो मैंने चॉकलेट का पहले से ही गार्निश बना के रखा था, ये आप देख सकते हैं। इसे हम लोग इस तरह से लगा लेंगे, साइड साइड में पूरा लगा लेना है। उसके बाद बीच में फ्रूट से एक ही एप्पल से हम लोग मतलब पूरा केक डेकोरेशन करेंगे। काफ़ी जो है खूबसूरत दिखने वाला हमारा केक है। ये थोड़ा सा घट गया है तो ये मैं बना
बना लेता हूँ, जो साइड के जो गार्निश है ईजिली बन जाते हैं। टेबल सेट रहना चाहिए, चॉकलेट मेल कीजिए, उसके बाद रिंग से खींच के निकाल लीजिए, ये राउंड राउंड शेप के ईजिली बन जाते हैं इस तरह से। ये देखिए एक मिनट में पूरा आपका जो है गार्निश निकल जाता है, कोई ज़्यादा तकलीफ का है नहीं। कोई एप्पल को इस तरह से कटिंग कर लेना, आप अपने हिसाब से भी जो फ्लोर का डेकोरेशन है वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये मेरा हो गया एक, इस तरह से तीन चार लगा लेना है। चलो दूसरा भी लगा लेते हैं, दूसरा भी कटिंग हो गया। एक ही एप्पल से, एक एप्पल और एक कोई भी फ्रूट और ले लें, दो ही फ्रूट से आपका जो है फ्रूट केक बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा क्रश और दो स्पंज। एक केक को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉस्ट जो है 100 रुपये से 150 रुपये जाएगा, और आप अपने हाथ से बनाएंगे तो अपने टेस्ट अनुसार बनाएंगे कि कौन सा कितना पसंद है आपको, स्वीट कितना पसंद है, स्वीटनेस इसका कितना मतलब लेंथ पसंद है आपका, हर चीज़ आप अपने मुताबिक करेंगे। आप अगर दुकान में ख़रीदने जाएंगे तो आपको हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं मिलता है, कितना टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, कितना आपको क्रश यूज करना है। तो बेहतर है कि आप अपने घर में या थोड़ा आधे पैसे में आपका केक जो है बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से एप्पल को कटिंग करके लगा लेना है, काफ़ी ईजी है केक बनाना, आप ईजिली अपने घर में केक बना सकते हैं। ये मैं फ्रेश चेरी यूज किया। अभी साइड से जो है ये मेरा कस्टमर का ऑर्डर है, तो साइड से उसमें आलमंड है तो आलमंड भी कटिंग करके लगा देता हूँ। 20-30 रुपये का अगर आप आलमंड लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, 20-30-50 रुपये का आलमंड खरीद के कटिंग करके आप साइड से डेकोरेशन के लिए आपका जो केक है काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। ये देख सकते हैं जो केक हमारा रेडी हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा केक बना है। आप इस तरह से इजीली अपने घर में बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक के बटन को दबाना भूल जाते हैं, सो प्लीज़ एक लाइक भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारा हर एक वीडियो मिल सके। मैं रोज़ाना ऐसे ही नए वीडियो के केक ये चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको ये केक का जो और लुक और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए चाहे तो आप बोर्ड में कोई भी कलर का अपने चॉइस से कलर का क्रीम यूज कर सकते हैं, केक का जो लुक है वो डबल हो जाता है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कर लेना। उसके बाद जो है हम लोग चलो बॉर्डर मार लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत मेरा केक दिख रहा है। पाइपिंग पैक को इस तरह से बेंड करना है और उसके बाद कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। ये जो पाइपिंग पैक है हमारा, जो स्टार नोजल का भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से स्टार नोजल जैसे डिजाइन हो जाएगा। इस तरह से बॉर्डर मार लेना है, केक हमारा रेडी हो चुका है। आप ये देख लीजिए काफ़ी प्यारा सा केक बना है। ऐसे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक के बटन को दबाइए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय।